हेलो फ्रेंड्स, देखिए जो मैंने प्लाजो पहले ही वीडियो डाल दी है, अपलोड कर दी है, वो आप उसकी कटिंग स्टिचिंग देख लेना। और उसी के लिए मैं क्रॉप टॉप बनाने जा रही हूँ। तो देखिए ये इसका मैन फैब्रिक है और ये इसके लिए अस्तर है। तो कटिंग करना शुरू करते हैं। तो इस मैन फैब्रिक को हम हटा देते हैं। ये हमारा 1 मीटर है और ये हमारा बचा हुआ अस्तर है। तो इसमें से हमारा मतलब टॉप निकल आएगा। तो चलिए कटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए कटिंग हम बताते हैं। ये हमारा जो अस्तर का कपड़ा है, इसे मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया। एक ही साथ दोनों की कटिंग करेंगे और इसमें जिस तरह से बोट नेक बनता है उस हिसाब से हम इसकी जो शोल्डर है, आर्म होल और शोल्डर बराबर लेंगे। तो देखिए इस तरह से चलिए कटिंग करना बताते हैं। जो कि आपने नाप लिया हो, किसी भी साइज का बना रहे हो, जैसे बोट नेक में फुल शोल्डर लेते हैं, उसी तरीके से हम इसमें शोल्डर लेंगे। तो हम पहले इसको किनार को सीधा कर देते हैं, जिससे कि हमारे इसमें ये एक निशान लगा दिया हमने और इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब यहाँ से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। तो पहले हम इसकी लंबाई देखेंगे। क्रॉप टॉप बना रहे हैं तो हमें इसकी लंबाई, जैसे ब्लाउज की 14 रेडी रहती है, इस तरह से हम क्रॉप टॉप की 17 रखेंगे। तो हम एक 17 पर निशान लगा लेंगे। आप इसके अर्ज को देख लें कि हमारा जो भी साइज बन रहा है उसमें से ये चारों भाग निकल रहे हैं सही से। अगर मार्जिन कम भी रहता है, 1/2 इंच 1/4 इंच रहता है, तब भी चल जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखिए 36 साइज का बनाएंगे। 36 साइज इसकी चेस्ट है और इसकी कमर है 32, 32 साइज। ठीक, इनको 4 से हम डिवाइड करेंगे, उसी अनुसार हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए 9 है और 1/2 इंच इसमें लूजिंग के लिए और आधा ये मार्जिन के लिए हमारा बच जाएगा। देखिए इस तरह से हम जब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो 14 है तो मैंने 7 पर निशान लगाए। आप यहाँ पर 7 इंच पर, इसमें से कम नहीं करना है क्योंकि बोट नेक बनाएंगे, पीछे का छोटा नेक बनाएंगे और इसमें मार्जिन भी आपको लेना है। तो जो भी आप 1/2 इंच या पॉइंट के हिसाब से लेना चाहें उस अनुसार आप ले सकते हैं। अब यहाँ से जो हम आर्म होल लेंगे तो वो भी हम 7 इंच के ही यहाँ से निशान लगाएंगे। तो देखिए 7 इंच पर निशान लगाया और इन निशानों को हम सीधा कर देंगे यहाँ से। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, जो हम सीना का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमें निशान लगाना है कि जो भी हमारा चेस्ट है उसका, ये 4 भाग हैं तो 4 भाग से हम डिवाइड कर लेंगे। 36 है तो हमारा 9 आएगा इसका 4th भाग। तो हम एक 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 1/2 इंच इसमें मार्जिन के लिए, जो हम ये प्रिंसेस कट बनाएंगे तो जो यहाँ सिलाई के लिए जाएगा तो उसके लिए हम 1/2 इंच से बढ़ा लेंगे। अभी हमारे पास कपड़ा कम है पर कोई बात नहीं, इसमें से सिलाई के लिए बच जाएगा। जो मार्जिन है ये एक्स्ट्रा, इसी से काम चल जाएगा। तो सीधा कर देंगे। अब हम यहाँ से लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमें 17 इंच रेडी रखना है तो हम 1/17 इंच पर सीधा निशान कर देंगे। अब चाहें आप तो इसे कट करके यहाँ से अलग कर दें, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब 1/2 इंच इधर से, 1/2 इंच इधर से, दोनों सिलाई में चला जाएगा, दब जाएगा और 16 इंच ये रेडी रह जाएगा। तो देखिए अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो देखिए जैसे जिस तरह से हम सूट में निशान लगाते हैं उसी तरीके से हम निशान लगाएंगे। तो इसकी 14 इंच पर कमर, 14 इंच पर हमने निशान लगा लिया। ठीक, और ये 32 है तो 8 पर निशान लगाएंगे कमर का। ठीक, अब इसमें जो हम प्लेट डालेंगे, अगर आप ज़्यादा चौड़ी प्लेट डालना चाहते हैं तो वो भी और कम भी पड़ जाती है, तो हम इसमें 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे। तो हम 1.5 इंच इस पर एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे, नीचे तक बराबर रहेगा। ठीक, ये जो हमने मार्जिन लिया है। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, गुलाई के लिए। ठीक, तो जो 1/2 इंच सिलाई में जाएगा इस तरह से। तो देखिए आर्म होल के लिए हमने फ्रंट में निशान लगाया 1 इंच और ये बैक के लिए 1.5 इंच। तो यहाँ से जो हमने निशान लगाया था तो 1/2 इंच यहाँ से इस तरह से हमको अंदर के लिए निशान लगाना है और जो हमारी फिटिंग आती है वहाँ तक हमें इसे मिला देना है। अब यहाँ से हम लगाएंगे प्लेट के लिए। तो जो यहाँ से जो शोल्डर से हम निशान लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा 10.5 पर आएगा एक निशान, हम 10.5 पर लगा लेंगे जो हमारा गुलाई के लिए। अब हमने इसमें लंबाई ज़्यादा रखी है, क्रॉप टॉप है, तो हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे 7 इंच पर। वैसे तो 4 इंच या 5 इंच, ये 2 इंच एक्स्ट्रा है तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अब इसके लिए क्या करना, 1/2 इंच इधर से इस तरह से,
और ये एक निशान है, इनको सीधा कर देना है यहाँ से। अब देखिए अब यहाँ से हम गुलाई लगा लेंगे, फ्रेंसेस कट वाली। अब इसे आप कट करके भी आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं, इसको अलग करके भी बना सकते हैं और विदाउट अलग भी इसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ से जब हमने सीधा रखा है तो अब इसकी गुलाई इस तरह से आएगी। इस तरीके से अब इन एक इंच को, ये देखिए डेढ़ इंच है। अब हम अपनी फिटिंग भी निकाल लेंगे इस तरह से, पाँच, और इधर देखिए छः, सात, आठ, फुल हो गया। ये जो हमारा कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था इसकी प्लेट पड़ते हुए, इसे कटिंग करके भी आप जोड़ सकते हैं और बिना कटिंग के भी इससे प्लेट को हम डाल देंगे। तो अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हम बोट नेक बना रहे हैं तो उसके लिए हम फोर इंच पर निशान लगाएंगे। ये बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कट कर रहे हैं तो हम देखिए ये एक इंच पीछे का गला बनाएंगे तो उसके लिए निशान लगाएंगे इस तरह से और इसको सीधा कर देंगे। अब एक निशान यहाँ से लगाएंगे सेवन इंच पर या साढ़े छः इंच पर, जो बन रेडी होने के बाद सेवन इंच हो जाएगा इस तरह से। और इस निशान को हम बी शेप में बनाएंगे। तो जो हमारा जो शोल्डर का निशान है गले के लिए जो लगाया है इस तरह से, ये बहुत चले हैं गले इस तरह से, देखिए बोट नेक में, तो ये हमारा हो गया। अब ये थोड़ा पास पास आएगा तो यहाँ से इसे थोड़ी हम इसकी चौड़ाई बढ़ा देंगे, अच्छा लगेगा बनने के बाद। और यहाँ पर आकर हम शोल्डर में उसी जगह पर अटैच कर देंगे। अब इन्हीं निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने ये बैक की कटिंग कर ली, बैक का नेक कट कर दिया और आर्म होल। अब ये फ्रंट का आर्म होल की कटिंग और नेक की कटिंग आएगी तो हम इसमें से अंदर वाले पल्ले को हटा देंगे इस तरह से, इसे वैसे ही बिछा लेंगे। देखिए ये हमने आर्म होल की और नेक की कटिंग कर ली है तो इन दोनों को हम हटा देते हैं। अभी हमने ये फ्रेंसिस कट नहीं किया, अब मैन फैब्रिक पर हम रख करके इन दोनों पीसों को कट कर लेंगे। तो इस फैब्रिक पर हम पिन से अटैच करके, और अपना कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना, आपको जो आपकी अब कटिंग है तो आप फिक्स से इसे जमा लें इसके ऊपर और फिर बराबर से कटिंग कर लें। देखिए मैन फैब्रिक पर हमने रख करके इस तरह से दोनों फ्रंट और बैक हमने कट कर लिए हैं। तो देखिए इस तरह से, अब एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, तो ये फ्रंट है और ये जो बैक का पल्ला है इसको हम बैक ओपन बनाएंगे। तो यहाँ से हमें इसमें कट लगाना होगा और इसमें आई हुक की पट्टी लगाएंगे यहाँ से और इस पर बटन लगाएंगे ऊपर से। तो इसको जब हम स्टिच करेंगे तभी इसकी कटिंग करेंगे। और अब हम इन दोनों को हटा देते, जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमने देखिए फोर फोल्ड में बिछा लिया है, देखिए एक ये फोल्ड बंद है और ये देखिए इस तरह से हमने फोर फोल्ड में कर लिया। अब इसकी हम लंबाई देखेंगे, हमारे कितनी लंबी हम स्लिप्स बनाना चाहते हैं, आप जो भी लंबाई चाहते हो उस तरह से आप निशान लगा लें। तो ये हमारा देखिए 21 इंच है और इसमें हम 20 इसकी रेडी रखेंगे, तो आधा इंच नीचे से फोल्ड हो जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो देखिए इस तरह से 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। आप जिधर से आपका सीधा हाथ पड़ा हो उस तरह से आप रख लें। और यहाँ पर हम इसकी जो बाएं की गुलाई होती है इस तरह से हम देखेंगे हमारी कितनी आ रही है, इस तरह से हमें नापना है। तो हमारी ये 7 है तो हम आधा इंच इसमें लूजिंग रखेंगे तो हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसमें 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। अब यहाँ से हम इस निशान को सीधा कर देंगे, आप स्केल से भी करें, और यहाँ से हम पूरी गुलाई देंगे। देखिए यहाँ से सीधे करते हुए, ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से इसमें गुलाई दे देंगे। और जो आधा इंच हम यहाँ से जो हमारा मार्जिन होता है वहाँ से हम
आधा इंच अंदर के लिए जो फ्रंट की कट करते हैं उसके लिए, तो हमने निशान लगा ली। इसी ड्राफ्ट के अनुसार हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ड्राफ्ट के अनुसार कटिंग कर ली। अब ये जो हमने आधा पौना इंच कट आगे की गुलाई के लिए हमने निशान लगाया, तो क्या करना आपको देख लेना है कि अंदर साइड दोनों सीधे हैं और ऊपर और नीचे दोनों उल्टे हैं, तो ये हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं। तो देखिए ये कटिंग हो गई है, ये फ्रंट है और ये बैक और ये हमारी आस्तीन है। तो अब हम चलिए आपको सिलना बताते हैं किस तरह से हमें ज्वाइंट करना है, तो मशीन पे चलें फिर आपको स्टिच बताएंगे। चलिए अब हम स्टिच बताएंगे। तो ये स्लीव्स को हटा देते हैं और ये फ्रंट को पहले अलग रख देते हैं। अब बैक को हम खोलते हैं। इस तरह से बैक को लेंगे और इसे चारों तरफ से अटैच कर लेंगे, पूरे में स्टिच डाल लेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ से इसे बीच से कट कर लेंगे। तो पहले इसे हम पूरे पर स्टिच डाल लेते हैं। देखिए चारों तरफ से हमने इसे अटैच कर लिया। अब हमको इसमें प्लेट का निशान लगाना है यहाँ से, तो हम यहाँ से प्लेट का 6 इंच पर निशान लगाएंगे, सीधा कर देंगे। और यहाँ से 4 इंच पर जैसे लगेगा, और यहाँ जब आई हुक की पट्टी अटैच होगी इसे अलग करेंगे यहाँ से, तो आधा इंच इधर उधर से दब जाएगा। तो इसे मैंने 4.5 इंच पर लगाया, और ज़रा नहीं आधा मतलब आधा आधा इंच की दोनों साइड से इसमें प्लेटें पड़ जाएंगी। तो इसी तरीके से हम इस साइड भी एक निशान लगा लेंगे और बराबर से दोनों प्लेट डाल देंगे। और यहाँ गले पर जो नेक बनेगा तो इस पर और एक पट्टी से इस पर लगाएंगे, जब लगाएंगे तब दिखाते हैं। देखिए प्लेट भी हमने इसमें डाल दी है बराबर से जो निशान लगाए थे, और ये हमने और एक पट्टी कट की है, तो इसे हम डबल में रखते हुए इस तरह से हम नेक पर इसे अटैच कर देंगे। तो ये दोनों नेक के लिए हो गया, और ये जो पट्टी है ये 3 इंच की है। तो ये जो फोल्ड जो हुक का आई की पट्टी बनती है, तो जिस पर आई बनता है बाहर के लिए जो ब्लाउज में जैसे पट्टी बनती है उसी तरीके से ही बनेगी। तो इस साइड 3 इंच की पट्टी हमने कट की है, और इस साइड जो डबल में अंदर के लिए फोल्ड हो जाती है तो वो हमने 2 इंच की पट्टी कट की है। तो इन दोनों को हम सीधी सिलाई से अटैच कर लेते हैं पहले, फिर इसके बाद हम गले पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पहले इसे एक सिलाई डालते हैं। तो देखिए इस तरह से आई हुक की दोनों पट्टियां लग गई हैं यहाँ। अब इसे क्या करना है, हमें नीचे से फोल्ड करना है, जो भी हमने मार्जिन लिया था आधा इंच उसे फोल्ड करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी डिजाइन डालनी है। तो फिटिंग के बाद हम नीचे जो डिजाइन बनाएंगे टेस्टिंग पेपर से, तो देखिए इस तरह से सर्कल में डिजाइन बनाएंगे। तो पहले इसे हम सही से ज्वाइंट कर लेते हैं दोनों भागों को। अब ये बैक का रेडी हो गया है, तो अभी नेक पर पट्टी रह गई है, तो चलो नेक पर पट्टी और लगा देते हैं। और इसे नीचे से जो हमने इस तरह से जो लिया है आधा इंच हम इसमें मार्जिन है, तो इसे हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, मशीन चला देंगे दबाते हुए। तो ये जो नेक पर पट्टी लगाएंगे, हमने और एक पट्टी कट की है, तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। बराबर से रखते हुए पट्टी को हमें इस पर अटैच कर देना। तो देखिए बैक हमारा बन करके रेडी हो गया। नीचे से भी हमने फोल्ड कर दिया, और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ, और गले पर भी पट्टी अटैच कर दी। अब हम इसको हटा देते हैं, अब फ्रंट को हमें रेडी करना है। तो ये हमने देखिए सीधा रखा है, और ये हमने इस पर उल्टा करके रख लिया इस तरह से। अब हम यहाँ इसे पिन से अटैच कर देंगे, और इसके नेक पर हम सिलाई डालेंगे, और फिर इसे कट करके पलट लेंगे, तो दोनों तरफ से हमारा सीधा आ जाएगा। और फिर हम पूरे को इससे अटैच कर लेंगे सिलाई से फुल, जिससे कि हमारा कपड़ा इधर उधर खिसके ना। तो पहले हम नेक को तैयार करेंगे, बराबर से स्टिच डालेंगे जो हमारा बना हुआ है नेक। आप चाहें तो बुकरम भी लगा सकते हैं, पर ये कपड़ा मोटा है हार्ड है, तो हम इसे ऐसे ही फोल्ड कर देंगे और पूरे में सिलाई डाल के अटैच कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने नेक को सिलाई लगा करके इसे कट कर दिया, और अंदर के लिए फोल्ड कर दिया, और पूरे पर हमने स्टिच डाल दी। अब क्या करना, हम ये प्रिंसेस कट जो हमने निशान लगाया, तो हमने इसे कट नहीं किया है ना, क्योंकि ये कपड़ा खिसने वाला है, कट नहीं करो तब भी ये प्लेट पड़ जाएगी। अब इस प्लेट को हम आधा आधा इंच की तरफ से दोनों को यहाँ तक डालेंगे। 6 इंच जो हमने निशान लगाया था ये पॉइंट वाला निशान है, तो टक्स जो यहाँ से 10 इंच पर लगा था उस पर हम ये प्लेट पहले प्लेट को यहाँ से यहाँ तक डालेंगे, फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे, पूरे पर लगाते हुए नीचे तक ले आएंगे। तो ये एक प्लेट डालना बताते हैं। देखिए ये प्लेट हमारी बन करके रेडी हो गई, और नीचे से हमने आधा इंच जो मार्जिन लिया था उसे फोल्ड कर दिया है आगे और पीछे दोनों में। तो अब हमने ये शोल्डर ज्वाइंट कर दिए। अब हमें क्या करना है इसमें, कि जो हमारी फिटिंग के निशान है, जो भी आपकी फिटिंग हो, तो पहले से भी निशान लगे हो तो, और इस तरह से आपको नाप कर देख लेना जो साइज है, यहाँ से इंची टेप को रखते हुए बराबर से। तो ये हमारा 34 है, तो देखिए 17 इस तरह से हमने इस पर निशान लगा लिए बराबर से। और जो हमारी कमर है उसका भी हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारी
32 है तो इस तरह से हमारा 16। यहाँ ये जो बीच का मार्जिन होता है इस तरह से यहाँ से फोल्ड करके हमको देखना है इस तरह से, ठीक 7.5। इस तरह से हमने नाप के निशान लगा लेना। तो इसी तरीके से हमारे निशान लगे हुए हैं, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। तो अब हम इसमें स्लीव इसकी जो आस्तीन है उसको ज्वाइंट करेंगे। तो आस्तीन को हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है इस तरह, जो आपका मार्जिन लिया हो वो डबल फोल्ड में इस तरह से सिलाई डाल देनी है। तो हम ये आस्तीन दोनों इसमें ज्वाइंट करेंगे। अब फिर इसमें हम नीचे जो डिजाइन डालेंगे, तो ये जो आस्तीन ज्वाइंट करने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम इसमें डिजाइन डालेंगे। तो देखिए इस तरह से बराबर से जो हमारा कट लगा हुआ है तो उसे बराबर से रखते हुए शोल्डर से, और इस तरह से हमको नाप के देख लेना है। हमारी बिल्कुल परफेक्ट हमारी आस्तीन की कटिंग है। तो बस हमें यहाँ से इस पर सिलाई डाल देनी है। याद रखना है जो आगे का पल्ला ये है तो जो हमने गहराई दी है तो वो फ्रंट में ही आनी चाहिए। दोनों को रख करके आपको देख लेना है। अब इस पर एक सीधी सिलाई डाल देनी है बराबर से करते हुए, देखिए इस तरह से। देखिए आस्तीन को हमने ज्वाइंट कर लिया, इसी तरीके से दोनों कर लिए। अब हमें क्या इसमें फिटिंग का निशान लगाना। तो नीचे तो फिटिंग की निशान लगी हुई है, अब यहाँ पर आपको अपने आस्तीन की गुलाई देखनी है, जो है पौचे की गुलाई इस तरह से। जो भी आपका पौचा हो तो उसकी आपको गुलाई निकाल लेनी है इस तरह से। तो हमारी यहाँ पर 4.25 आ रही है, ठीक। तो इस तरह से हम एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम इस तरह से कर लेंगे। दोनों आस्तीन पर इसी तरीके से निशान लगा लेंगे और एक सीधी सिलाई फिटिंग तक इसकी हमें लगा देंगे। फिर हम आपको इसमें बताएंगे जो हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। 3 जगह डिजाइन बनानी है, एक फ्रंट पर और 2 साइड से इस जगह पर। तो ये फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम डिजाइन डालेंगे। तो इससे पहले सिलाई लगा लेते हैं सीधी, फिर डिजाइन बताते हैं किस तरह से डालनी है। देखिए इस तरह से हमने पूरी फिटिंग इसमें सिलाई लगा दी है बराबर से। तो हम ये हमारा टॉप बन करके पूरा रेडी हो गया इस तरह से। और देखिए पीछे बैक में भी कितनी फिनिशिंग आई है। अभी हमने इस नेक पर तुरपाई नहीं की है, आप चाहें तो सिलाई लगा दें और चाहें तो तुरपाई कर दें। तुरपाई करने से इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो अब हम इसमें डिजाइन डालेंगे। तो डिजाइन के लिए हमने बुकरम का पीस लिया, जो हमारा नेक में से बचा था उसमें से हमने एक पीस ले लिया। तो अब हम इसमें इस तरह से डिजाइन डालेंगे। आपका मन करे वैसी डिजाइन डाल सकते हैं। हम देखिए इसमें से 1-4 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और ये डबल में है, हमको 3 डिजाइन डालनी है। हम एक और पीस बराबर का ले लेंगे और इसमें से ये हमने देखिए इस तरह से निशान लगा लिया। अब इसके बीच में इस तरह से बराबर से फोल्ड करना है इस तरह से। तो ये बीच में मार्जिन पर हमने निशान लगाया। अब हमें यहाँ पर इसमें देखिए 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे हम इस तरह से 1.5 इंच पर। अब हमें यहाँ से स्क्वायर में देखिए इस तरह से हमें निशान लगा लेंगे यहाँ से मिलाते हुए बिल्कुल बराबर से इस तरह से हमने निशान। हम ये वाली डिजाइन डालेंगे, आपका मन करे तो और कोई भी डिजाइन डाल लें। तो देखिए और हम 1/2 इंच या 1/4 इंच के हिसाब से इसके ऊपर से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम इस डिजाइन को कट करके निकालेंगे। जो हमारी जो ऊपर वाली जो पट्टी निकलेगी वो हम कपड़े पर पेस्ट करेंगे और फिर हम इसे इस क्रॉप टॉप पर डिजाइन डालेंगे। तो हम इसको कट कर लेते हैं और एक कपड़े पर पेस्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको कपड़े पर अटैच कर लिया। तो हमने इसे पेस्टिंग पेपर था तो मैंने इसे इस पर कट करके और इसे प्रेस से चिपका लिया। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। जैसे देखिए हमने इसको कट दिया है एक डिजाइन को इस तरह से फोल्ड करके, और अब इसे हम कपड़े पर लगाएंगे। तो हम किस तरह लगाते हैं वो दिखाएंगे आप। देखिए हमने इस फ्रंट को हमने बिल्कुल नेक जो हमारी है नेक का बीच में, तो हमने यहाँ से इसे फोल्ड कर लिया इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इस पर हम चौक से निशान लगा देंगे इस तरह से, ठीक। अब इसे हम खोलेंगे यहाँ। इस निशान के लगाने से ये हो जाएगा हमारा डिजाइन बिल्कुल बीच में आएगा। तो अब हमने जो ये कपड़े पर पेस्ट किया तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। तो इसमें हमने कट लगा लिया बीच में, तो इस तरह से हमने इसे रख लेना है। आप चाहें तो पिन से भी अटैच कर सकते हैं, जो हमारे बिल्कुल ये हिलेगा नहीं
तरह से इसमें पिन लगा लें। अब बिल्कुल बराबर से इसे सेट कर लें। और यहाँ से जो देखिए हम आपको बिल्कुल आसानी से बताएंगे, जो हमारी इसमें बुकरम लगी हुई है जो डिजाइन है, इसके बराबर से हमको इस पर सिलाई चलानी है। इस तरह से दिख रहा होगा आपको, इस तरह से सिलाई लगानी है और फिर इसे हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट करके अंदर के लिए फोल्ड कर देंगे। अब एक डिजाइन हमको यहाँ डालनी है, तो जो हमने मार्जिन लिया इसको हम थोड़ा कट करके कम कर लेंगे और इसी तरीके से हम देखिए एक हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। तो जो हमारे बीच की सिलाई है उसको हम यहाँ से खोल देंगे और जो यहाँ पर जो आगे आएगा उसमें हम एक कट लगा देंगे, जिससे कपड़ा हमारा एक साइड को होल्ड हो जाएगा। और यहाँ जो हमने सिलाई लगाई है इसको बीच में से एक तरफ इस साइड कर देंगे और इस धर का मार्जिन इस साइड कर देंगे और जो हमारे इसमें निशान लगा हुआ है बिल्कुल एक्यूरेट हम इस पर इसे अटैच कर लेंगे इस तरह से। और जैसे हमने इसमें बताया कि हम सिलाई बराबर से इसके यहाँ से सिलाई डालते हुए और इसको भी हम कट करके अंदर के लिए फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इसको डिजाइन को डालना शुरू करते हैं। तो हमें जो हमने ये अटैच कर लिया है तो हम इस पर बराबर से इस पर सिलाई डालते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देखिए ये हमने डिजाइन लगा ली है इस पर, तीनों अटैच कर लिए बराबर से। अब हम एक आपको कट करके बता देंगे, देखिए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसकी हमने कटिंग कर ली। इसी तरीके से हम ये तीनों डिजाइन एक्यूरेट कर लेंगे और इसमें देखिए छोटे छोटे से कट लगा लें, जो कि हमें फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। अब इसे अंदर के लिए फोल्ड कर देंगे हम। देखिए इस तरह से इसे अंदर के लिए फोल्ड करके आप चाहें तो प्रेस लगा लें और इस पर एक स्टिच डाल दें और एक स्टिच डाल दें या तुरपाई एक पर तुरपाई कर दें तो अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, नहीं तो आप चाहें तो मशीन भी चला सकते हैं। तो इस पर एक टॉप की स्टिच डालें। इसी तरीके से हम तीनों डिजाइन बना करके एक्यूरेट तैयार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी तीनों डिजाइने बन करके रेडी हुई और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ। अभी मैंने इस पर डबल सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि हम हाथ से स्टिच करेंगे, इस पर तुरपाई करेंगे। तो देखिए ये मैन फ्रंट पर हमने जो डिजाइन डाली तो इसका लुक इस तरह से आएगा। देखिए अभी मैंने जो नेक्स्ट वीडियो में बताया था प्लाजो, उसके लिए हमने क्रॉप टॉप तैयार किया है। तो ये हमारी इसमें डिजाइन है और ये हम इसमें आई और हुक लगाएंगे, देखिए इस तरह से। और ये हम इसमें बटन अटैच करेंगे ऊपर से, इस तरह से हम सुई की मदद से ये बटन लगाएंगे इसमें। तो देखिए मैचिंग के हमने बटन लिए हुए हैं, इस तरह से आप भी बनाएं और इन्हें अटैच करें। और फ्रंट से दिखाते हैं हम आपको किस तरह से ये हमारा बन करके क्रॉप टॉप रेडी हो गया। तो देखिए इसका लुक आगे से देखिए कितना अच्छा, और हमारी डिजाइन भी एकदम फिनिशिंग के साथ एक्यूरेट हो गई है। अब हम इसे कैरी करके दिखाएंगे किस तरह से हमारा ये लगेगा क्रॉप टॉप और हमारा प्लाजो बन करके रेडी हो गया। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।